नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। अपने अपने क्षेत्रों की खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब नजर करते हैं खबरों की तरफ। आज हरियाउत नगर कॉलोनी हीरापट्टी आजमगढ़ में सुदीक्षा नैराह फाउंडेशन ने वंचित बच्चों के लिए डांडिया महोत्सव का आयोजन किया। इस आयोजन के मुख्य अतिथि के रूप में आजमगढ़ के सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ और भोजपुरी सिनेमा के मशहूर अभिनेत्री आम्रपाली दुबे ने दीप प्रज्वलित कर डांडिया कार्यक्रम का शुभारंभ किया। वह संस्था के सचिव और फाउंडर साक्षी पांडेय ने माल्यार्पण कर व शाल उठाकर उनका स्वागत किया। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि डॉक्टर मनीष त्रिपाठी व राजेंद्र प्रसाद यादव ने मां सरस्वती की प्रतिमा पर माला व पुष्प अर्पित किए। तपस्या क्रिएटिव स्कूल के बच्चों ने गणेश वंदना के सुदीक्षा नैराह फाउंडेशन रिदम डांस अकादमी व नटराज डांस अकादमी के बच्चों ने अतिथियों के समक्ष नृत्य की प्रस्तुति दी। सभी बच्चों ने रंगोली प्रतियोगिता में हिस्सा लिया व उसके विजेताओं को अतिथियों द्वारा सम्मानित किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि सांसद आजमगढ़ दिनेश लाल यादव, नरहुआ और आम्रपाली दुबे ने बच्चों को संबोधित किया व मन लगाकर पढ़ने व जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। इस अवसर पर संस्था के सचिव साक्षी पांडे, हिमांशु मिश्रा, मदन पांडे, आदित्य जलल, सक्षम निशांत, स्मिता, अंशुमन राय, नयन, अंजलि, भावना, श्रद्धा पल्लवी, राहुल दुबे, दिलीप, अभिषेक, दिव्यांशु, हिमांशु, नितिन, रितुल, सत्यम, केशव, प्रिया आदि उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन आरजे शान ने किया। अक्सर गरीबों बच्चों के लिए एक आयोजन किया गया है, सर इसमें क्या है? नई राय फाउंडेशन की जो टीम है, मैं खास तौर से साक्षी पांडे को जानता हूँ। उसके द्वारा जिस तरह से गरीब बच्चों को ज़्यादा के जो बच्चे जो है एजुकेशन क्षेत्र में बच्चों को पढ़ाना और कल्चरल एक्टिविटी के क्षेत्र में बच्चों को डांस से लेके ऑल डेवलपमेंट के लिए जो प्रयास कर रही है वो बहुत ही, उसकी टीम को हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामना और आजमगढ़ जनपद वासियों से मेरा ये भी निवेदन है कि ऐसे बच्चों का जो सहयोग करता है उसके लिए ग्रुप बना के हम लोगों को सहयोग करना चाहिए कि जो गरीब बच्चे हैं शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ें और अपना नाम रोशन करें। ये हमारी ढेर सारी। क्या नाम है? मेरा नाम साक्षी पांडे है। अच्छा, किस तरह कार्यक्रम किया गया? क्या आज सुदीक्षा नैराह फाउंडेशन की तरफ से डांडिया नाइट और रंगोली प्रतियोगिता का कंपटीशन रखा गया था। यहाँ पे हमारे गेस्ट सांसद हमारे दिनेश लाल यादव जी और साथ ही साथ आम्रपाली दुबे जी हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं, बच्चों ने अलग अलग अकेडमीज के बच्चों ने यहाँ पे अपनी परफॉर्मेंस दी है। साथ ही साथ यहाँ पे तमाम बड़ी हस्तियाँ आपको देखने को मिलेंगी, डॉक्टर सारे देखने को मिलेंगे। बच्चे अपना अभी भी कार्यक्रम कर रहे हैं। संस्था चल रही है, इससे कहाँ से कहाँ बच्चों को शिक्षा भी दिया, क्या इस पर? जी, यहाँ पे हम लोग ऐसे वंचित बच्चों को शिक्षा देने का कार्य करते हैं जो विद्यालय नहीं जा पाते या फिर फाइनेंशियली थोड़ा वीक हैं या फिर किसी भी तरीके से वो उनको शिक्षा नहीं मिल पा रही है, तो हम ऐसे बच्चों को शिक्षा देते हैं। डेली हम उनकी क्लासेस लेते हैं। गाँव में भी ऐसे बच्चे हैं, कैसे आप लोग? जी, हम लोग अपना ऐसा एरिया टारगेट, जैसे बस्तियाँ हो गई, कुछ मतलब जो नीचे कस्बे के लोग होते हैं जो मतलब कि शिक्षा से वंचित या जो किसी भी तरीके से असक्षम है, हम ऐसे ही बच्चों को टारगेट करते हैं और हम उन्हें शिक्षा देने का कार्य करते हैं। ये नई राय फाउंडेशन है, आप उन्होंने ये कार्यक्रम आयोजित किया है और सबसे अच्छी बात है इस नई राय फाउंडेशन के जितने मेंबर हैं सब मुश्किल से 20 से 25 साल की एज ग्रुप के लोग हैं और जो उनका काम है जो बस्तियां हैं जहां पे एकदम गरीब बच्चे हैं जो कूड़ा बीनते हैं, इस तरह के बच्चे जो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं उनको पढ़ाना लिखाना, उनको इस तरह के कार्यक्रम में हिस्सा दिलाना और उनको आगे बढ़ाने की वो मदद करते हैं। तो बहुत ही शानदार काम है कि और इतने कम एज के युवा लोग काम कर रहे हैं, इस तरह के सेवा का काम कर रहे हैं, तो आजमगढ़ का जरूर आगे बहुत अच्छा विकास होगा क्योंकि किसी भी ज़िले, किसी भी प्रदेश, किसी भी देश का तभी विकास होता है जब उसके युवा विकास करते हैं। आप भी सब जगह जगह कैंप लगाते हैं गरीब बच्चे के लिए, इससे क्या संदेश देना चाहिए? मेडिकल कैंप्स हमारे लगाने हैं क्योंकि जो डॉक्टर्स की कमी है हमारे और लोग गरीब लोग हॉस्पिटल नहीं पहुँच पाते हैं, इसलिए हम लोग लगाते हैं। तो इस तरह से एक मैसेज भी देना चाहते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जिस तरह से भी चाहे किसी भी तरह की भी मदद जिसको भी पहुँचाएँ, तो एक दूसरे का हाथ बढ़ा के एक दूसरे की मदद करें और समाज को आगे बढ़ाएं।